बिहार के भोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जमीन विवाद को लेकर एक बेटे ने अपनी ही माँ और बहन को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। मामला संदेश थाना क्षेत्र के चेला गांव का। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि भोजपुर के चेला गांव निवासी सुधीरा देवी और उनकी बेटी के साथ अपने ही परिवार के लोगों से पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर बीते रविवार देर रात सुधीरा देवी की अपने बेटे धर्मेंद्र से बहस हो गई, जिसके बाद उसने अपनी माँ और बहन की दोनों को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे धर्मेंद्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। देशवा न्यूज के लिए भोजपुर से गौरव की रिपोर्ट।